क्वेश्चन नंबर दो हमारा जो इस प्रकार है, ठीक है सर, बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने लंबाई दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक सर, बहुत अच्छा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, और आप लोगों को भी क्वेश्चन को अच्छे से पकड़नी है, मतलब उसे रीड करनी, एक बार तो रीड करनी और दोबारा उसे उसके पॉइंट के बारे में लिखनी, ठीक सर। तो चले, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, उन दोनों खंभों के बीच की सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखरों का उनयन कोण 60 डिग्री, समझ रहे ना, मतलब एक खंभा का मतलब उनयन कोण 60 डिग्री और दूसरा का 30 डिग्री बन रहा, तो हमें ज्ञात करना है खंभा, दोनों खंभा आखिर में कितना ऊंचा है, और दूसरा चीज बोल रहा है कि बताइए उस खंभों की बीच वाले बिंदु से दोनों खंभों को कितना दूरी है, ठीक सर। तो चले अब गिवन पॉइंट के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सपोज करते सर बहुत हम लोग क्या करते हैं सड़क को ऐसे देखते हैं, कैसे देखते हैं ऐसे, मतलब समझ ले ये मेरे पास दो खंभा है, थोड़ा सा हाँ ये सही, तो बोल रहा है दोनों खंभों की ऊंचाई, मतलब ये आपके पास क्या है एक सड़क है जिसकी सड़क की ऊंचाई, मतलब इधर से ये गाड़ी वगैरह चल रही है, ठीक है, इसमें इधर से हम लोग सड़क कैसे देख रहे हैं जिधर से जा रहे उसी फेस में देख रहे हैं, तो सड़क में क्या है कि दोनों साइड में क्या लगा बराबर लंबाई का खंभा लगा हुआ, और जो सड़क की चौड़ाई है वो मेरे पास कितना है सर 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक सर। अब ध्यान से देखो, अब दोनों की जो लंबाई है वो एकदम एक समान है, मतलब ये वाला जो लंबाई है ये खंभा है, सपोज करो अगर इसको जेड मान लेते तो ये वाला भी कितना होगा सर जेड ही होगा, ठीक। अब बोल रहा कि सड़क के बीचों बीच में नहीं बोला, सड़क के कोई बिंदु पे बोल रहा, कोई मतलब सड़क के बीचों बीच में नहीं, सड़क के बीच में ही कोई एक बिंदु है, सपोज करो इसको यहाँ पे मान लेते हैं, तो बोल रहा इस बिंदु से कौन सा बोल रहा है इस बिंदु से सड़क के मतलब सॉरी खंभों के दोनों शिखर का उनयन कोण कितना डिग्री है, एक में कितना 60 डिग्री, एक में 60 डिग्री और एक में आपका पास कितना है सर 30 डिग्री है, तो चले हम क्या करते हैं एक वाले को हम क्या मान लेते हैं इसको 30 डिग्री और ये वाले को 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से निकालने क्या बोल रहा है कि जो बीच वाला बिंदु है पहला खंभा की दूरी और ये आपके पास दूसरा खंभा की दूरी कितना है उसको पता करना है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि हमें तो नहीं पता पहला खंभा की दूरी, तो हम यहां से क्या मान लेते हैं सर वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वाई, तो इधर दूरी कितना होगा, तो बाकी लोग सोच रहे ये भी वाई होगा, लेकिन सर ये वाई नहीं होगा, कहने का मतलब क्या है सर अगर मान के चले आपके पास अगर एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई अगर मान चलो 10 मीटर है और ये रॉड कहीं पे क्या करता है सर 2 मीटर में टूट जाता है, तो बाकी बचा हुआ इससे कितना होगा सर 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा सर 8, मतलब ये बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा सर 8 मीटर। उसी प्रकार देखिए कि आपके पास यहाँ पे टोटल लंबाई कितना है सर 80 है और यहाँ पे नंबर ना रहकर हम लोग क्या मान के चल रहे सर कोई अल्फाबेट मतलब चर संख्या मान रहे, तो अगर ये पहला खंभा की दूरी यहाँ से अचर संख्या कितना है सर वाई, मतलब ये वाई आपका कुछ भी आ सकता है 10, 20, 30, 40 कुछ भी आ सकता है, तो अगर ये मान के चलो 80 है और ये 20 आ गया तो ये कितना होगा 60, अगर ये 80 है और ये 10 आ गया तो कितना होगा 70, मतलब ये उससे घटेगा, तो मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी वाई है तो इधर कितना होगा सर यहाँ से यहाँ टोटल में से जितना हमको मालूम है उसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है सर। तो ये मेरे दूसरा खंभा की दूरी कितना होगा 80 माइनस वाई। अब चलो गिवन चीज लिखते हैं, खंभों की ऊंचाई जेड मीटर, पहले खंभे की दूरी वाई मीटर, दूसरे खंभे की दूरी बिंदु से कितना है 80 माइनस वाई मीटर, थीटा वन 60 डिग्री, थीटा टू 30 डिग्री, ठीक है। सड़क बोला 80 मीटर, हाँ चलो इसको भी लेकर कोई दिक्कत नहीं, सड़क की
चौड़ाई कितना है 80 मीटर है। ये आप लोगों ने फिगर तैयार कर लिया गिवन, ये क्वेश्चन का आधा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब इसे सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। अब ट्रायंगल, अब कोई भी ट्रायंगल इसको मान लो ए बी सी डी ई, तो ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं सर, ई डी सी पे लेते हैं ट्रायंगल, ई डी सी से, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे जेड है या वाई है, मतलब ना तो इसमें पी पता है ना तो बी पता, जब दोनों पता नहीं है और पी और बी के बारे में बात हो तो उस कंडीशन में भी क्या करना है मुझे, उसमें टेन थीटा ही अप्लाई करना। चलो तो टेन थीटा, मेरे पास थीटा क्या मान 60 डिग्री बना, 60 कितना मान चले 1, तो यहाँ पे 60, तो पी अपॉन बी, तो टेन थीटा 60 डिग्री बराबर पी का मान मेरे पास कितना सर जेड, जेड अपॉन वाई, टेन 60 डिग्री मान कितना होता है रूट थ्री, तो जेड बटा वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई रूट थ्री बराबर जेड। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसमें है? बस कुछ भी फॉर्मेट नहीं, बस आपको फिगर गिवन देन सॉल्यूशन। चलिए अब चलते सेकेंड पार्ट इसका चलते, तो देखिए यहाँ पे अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे सर ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी से, ठीक है सर। देखिए इसमें कौन सा ट्राइंगल बन रहा है सर, मतलब ट्राइंगल का हुआ तो ए बी सी वो बन गया और एंगल कौन सा 30 डिग्री। अब वो भी इसमें देखो 80 माइनस वाई ये जेड है, इसमें भी क्या होगा पी बी, तो टेन थीटा या तो कोट थीटा लगा सकते हो, टेन टू थीटा बराबर मेरे पास पी बाई बी, तो टेन थीटा टू मेरे पास कितना है 30 डिग्री है बराबर पी कितना है जेड और बी कितना है मेरे पास 80 माइनस वाई है, टेन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 जेड बराबर 80 माइनस जेड बाई 80 माइनस वाई, यहाँ कैंची गुना ये कैंची गुना, तो 80 माइनस वाई बराबर जेड रूट थ्री, ठीक है सर। चलो इसको क्या मान लें समीकरण दो, और नीचे वाला क्या मान लेंगे समीकरण एक मान लेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं जैसा कि देख रहे कि जेड का मान आपके पास कितना वाई रूट थ्री, यहाँ पर भी जेड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्यूरेट जेड का मान कितना दे दिया आपको वाई रूट थ्री, इस मान को वहां पे रख देंगे, ठीक है। तो जेड का मान, जेड का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है सर। तो चलिए 80 माइनस वाई, जेड का मान मेरे पास कितना वाई रूट थ्री और यहाँ पे ऑलरेडी रूट थ्री, ठीक है। चलो 80 माइनस वाई बराबर रूट थ्री से रूट थ्री, तो थ्री वाई हो जाएगा, ये वाई उधर माइनस वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 3y प्लस y, मतलब 80 बराबर कितना सर 4y आ गया, ठीक है सर। चलो इसको इधर ही कंप्लीट स्पेस है हम लोगों के पास, चलो देखो तो 4y बराबर 80, तो y बराबर मेरे पास कितना 80/4, 4 दुनी 8 0, तो y का मान कितना 20 मीटर, मतलब पहला खंभा की दूरी कितना निकल गया बीच बिंदु से आपके पास 20 मीटर निकल गया, तो दूसरा खंभा की दूरी कितना हो जाएगा दूरी टोटल मेरे पास कितना 80 माइनस 80 है और उसमें 20 पता चल चुका कितना हो जाएगा 60 मीटर, पहला खंभा की दूरी 20 मीटर दूसरा खंभा की दूरी 60 मीटर। अब रही मेरे बात भाई खंभों को ऊंचाई निकालना, तो जाहिर सी बात है मेरे पास y का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में मान रख देंगे, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो z बराबर y रूट 3 है, तो y रूट 3 लिख दो और y का मान कितना 20/√3 सॉरी इनटू, तो 20√3 मीटर, मतलब z का मान कितना आ गया सर 20√3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई हो गया, ये पहला खंभा की दूरी हो गया और ये दूसरा खंभा की दूरी, इसे लास्ट में आप क्या कीजिएगा सर लिख दीजिएगा कि पहला खंभा का अतः पहला खंभा की दूरी इतनी मीटर, दूसरे खंभे की दूरी इतनी मीटर और खंभों की ऊंचाई इतनी मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान चीज है सर और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के प्रश्न को बनाते हुए और मार्क्स उठाते हुए, है कि नहीं सर। तो चलिए